वेलकम टू मैट्रूटर चैनल। कल हमने किया था जो प्रश्नावली 8 है, जो अपने अवकलन के अवकलज के अनुप्रयोग है, 8.1 से लेकर के 8.5 तक के मैंने सारे मेन मेन क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और अब हम करते हैं प्रश्नावली 8.6। अब 8.6 भी काफी मोस्ट प्रश्नावली सीबीएसई में तो फिक्स है, एक पे एक पैटर्न ही फिक्स कर रखा है कि एक क्वेश्चन तो इससे देगा ही देगा, और अपने भी संभावना है कि इसमें से दे दिया जाए। तो देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो प्रश्न क्या है, अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, 8.6 के, है ना। तो देखो है क्या, सिद्ध करो कि किसी व्रत में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वो क्या होगा, संभव त्रिभुज होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। चलो पहले ये बताओ, यहाँ है क्या किसी व्रत में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जाए, मतलब कोई भी व्रत होता है अपने पास, उसमें कैसा भी अपन क्या खींच सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं, आपकी इच्छा है कैसा भी बनाओ। लेकिन ये बोल रहा है इनमें से बड़े से बड़ा जो त्रिभुज होगा, जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा, सबसे बड़े का मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। अरे बड़े से बड़ा मतलब जैसे ये है, ये त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, जिनका मान लो कि आकार आपको इसी त्रिभुज में मतलब इस व्रत में आपको दिखाई दे रहा है, तो जो सबसे बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई देगा वो कौन सा होगा, संभव त्रिभुज अपने को सिद्ध करना है कि जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा बढ़ेगा, मतलब जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल कम है, सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, मतलब ये कैसा होगा, संभव त्रिभुज होगा। तो अपने को क्या करना है, जो सिद्ध करना है अपन वही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहले एक आप क्या बनाओगे, चित्र बनाओगे, तो मैं चित्र बनाता हूँ, देखो इधर बना लेता हूँ मैं, ये लीजिए, ठीक है। अब जो दिया हुआ क्या है आप ये देखिए, इसमें दिया हुआ क्या है, किसी व्रत में बनाना, किसमें व्रत में, मतलब व्रत क्या है अपना फिक्स होगा, मतलब जो भी दिया है उसको अपन क्या करेंगे, फिक्स मान लेंगे। दिया हुआ क्या व्रत है, तो बताओ व्रत में फिक्स क्या होती है, त्रिज्या फिक्स होती है, इसमें त्रिज्या फिक्स होगी, इसमें जो त्रिज्या होगी 5 सेमी 10 सेमी कितनी भी हो लेकिन वो होगी फिक्स। लेकिन देखो बदल रहा कौन है, देखो त्रिभुज तो अपन ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब बदल रहा कौन है, त्रिभुज बदल रहा है, तो त्रिभुज का कोण भी बदल रहा होगा, इसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो रही है, बदल रही है, कभी छोटा कभी बड़ा। लेकिन मैं ये बना लेता हूँ, है ना, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब आप बताइए कि ये अपनी क्या है, ये अपने व्रत की क्या थी, त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, तो लिख लेना माना जो व्रत है इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो बताओ ये आर कैसी है, फिक्स है कि नहीं, कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको आर किसको मानना है, कांस्टेंट मानना है, क्योंकि ये फिक्स देर का अपने को व्रत दिया हुआ था, दिया हुआ था, तो व्रत की जो भी चीजें हैं वो सभी अपने कांस्टेंट होगी। तो व्रत में केवल क्या है अपने पास, त्रिज्या ही तो होती है। जैसे आयत दिया हुआ होता, तो आयत दिया हुआ होता उसमें त्रिज्या एक तो क्या होती है, सॉरी लंबाई और एक चौड़ाई, तो वो क्या होती है अपनी, फिक्स होती। यहाँ व्रत है तो व्रत में केवल एक ही चीज होती है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या फिक्स होगी। हाँ बदल रहा कौन है, अब इसकी अपने को भुजाएं अपने को पता नहीं है, कोण भी अपने को पता नहीं कि कोण कितना कितना है। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, संभव त्रिभुज सिद्ध करना है। तो संभव त्रिभुज दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, या तो संभव त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, या फिर जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, ये भी 60 का, ये भी 60 का हो, ये भी 60 का हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिलाया, अच्छा मिलाने से देखो, अच्छा ये आर है, आप ये बताओ ये वृत्त की त्रिज्या है, अच्छा आप ये बताओ ये क्या है, ये भी व्रत की त्रिज्या है। अरे क्योंकि व्रत का केंद्र था ये, ना केंद्र से मिलाओगे तो त्रिज्या ही तो हो गई। अच्छा अब ये बताओगे कि ये क्या है, ये भी अपनी क्या है, व्रत की त्रिज्या है, और त्रिज्या तो फिक्स थी। अब अपने को जो संभव त्रिभुज सिद्ध करना है, या तो कोणों से सिद्ध कर सकते हैं या फिर भुजाओं से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैं किसे ले लेता हूँ, कोण से। किस कोण से अपना क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तो मैं ये मान लेता हूँ। अच्छा और एक इसको और मैं सीधा कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, इसको आगे तक मिला दिया। इस कोण को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। अरे इस कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा, तो बताओ ये भी अपना क्या होगा, थीटा होगा। अरे ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। इस प्रकार से कर सकते हो, इसको मिलाओगे एक तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, ये अपना क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आधा कोण ले रहा हूं, ये थीटा है और ये अपना आर है, तो बताइए यहां से यहां तक ये क्या होगा। अच्छा इसको नाम देता हूं एक में ए बी सी और यहां नाम देता हूं डी। चलो अब एक चीज अपन देखते हैं कि ये अपना कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में ये अपना आर है, ये करण अपना आर है, ये मान लो थीटा है, तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, आर कोस थीटा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आर साइन थीटा। ऐसा ही तो होता है, नहीं आता तो समझ लीजिए एक बार, फिर आगे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। जो अपना आधार होता है ना, आधार तो अपना होता है करण कोस थीटा। कैसे, ये अपना क्या है, आधार है,
ये अपना आधार है और ये अपना क्या है लंब है और ये अपना क्या है कर्ण है। तो आप ये बताइए आधार और कर्ण किसमें आता है, कोश में आता है। कोश तेरा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो देखो कर्ण इधर भेज देता हूँ, तो आधार तो क्या हो गया अपना कर्ण कोश तेरा, मतलब ये जो आधार है ये अपना क्या होता है कर्ण कोश तेरा। तो कर्ण अपने को दे क्या रखा है आर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आर कोश थीटा। और इसी प्रकार से ये लंब देखोगे तो लंब अपना क्या होता है आर साइन थीटा। इतनी बात जी समझ में आ गई। तो अब हम हल करते हैं। अब अपने को देखो जो दिया है अपने को समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, जो बड़े से बड़ा त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज बड़े से बड़ा होगा मतलब उसका क्षेत्रफल अपने को क्या सिद्ध करना है अधिकतम सिद्ध करना है। अधिकतम कैसे सिद्ध करते हैं तो पहले देखो, अरे बोला है कि सबसे बड़ा त्रिभुज खींचना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल को क्या मान लेता हूँ इसको एस मान लेता हूँ। आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, जरूरी है एस मानो ना। मैं क्षेत्रफल को क्या ले रहा हूँ एस मान लो, चाहे ए मान लो, ये लो एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुजों को अपन क्या माना करते हैं एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सभी के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कई तरीके होते हैं, लेकिन भुजाओं से अपन कैसे निकालते हैं, ये तो होता है एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो एक बटा दो आधार कितना हो गया बताओ, ये आर कोस थीटा है। इसी प्रकार से इसको हल करोगे तो क्या आएगा, ये आर कोस थीटा, तो ये भी क्या आएगा अपना आर कोस थीटा। देखो ये भी क्या अपना क्या मिल गया आर कोस थीटा। तो देखो आधार कितना हो गया, ये अपने को मिला टू आर कोस थीटा, ठीक है। कितना काम हो गया। अब देखते हैं ऊंचाई, बताओ त्रिभुज की ऊंचाई ये कितनी है, ये तो है इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो गई r प्लस r cos थीटा, अरे अच्छा सॉरी r प्लस r sin थीटा हो गई अपने पास। तो ये लिखोगे आप r प्लस r sin थीटा, तो इनमें क्या को माना जाएगा r को माना जाएगा। तो r का तो क्या हो गया स्क्वायर, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा। इतना काम अपने को मिल गया। अब देखो केवल और दो से दो काट देता हूँ, तो अपने को ये क्या मिल गया अपना क्षेत्रफल क्या मिल गया आर स्क्वायर कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब हल करते हैं। अब अपने को देखो ये जो क्षेत्रफल है इसको क्या करना है, सबसे अधिकतम सिद्ध करना है। अधिकतम सिद्ध करने के लिए बताओ क्या करते हैं, पहले इसका अवकलन करते हैं। पहले एक बार अवकलन किया करते हैं, अरे 8 पॉइंट आपने 5 में देखा होगा, जब अपने को सिद्ध करना होता तो अपन क्या करते हैं अधिकतम सिद्ध करना होता पहले एक बार अवकलन अपन करते हैं। अच्छा किसके सापेक्ष करोगे, देखो ये पूरा किस पर निर्भर है अपना थीटा पर। अच्छा ये बोलोगे आर पर निर्भर नहीं है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि r तो क्या था अपना कॉन्स्टेंट था, मैंने बताया था कैपिटल r क्या था कॉन्स्टेंट था, जो दिया हुआ होता है कि दिया हुआ वृत्त था, तो वृत्त की जितनी भी चीजें होगी वो अपनी क्या होगी फिक्स होगी। तो देखो किसके सापेक्ष करूंगा, इसमें केवल एक ही चर दिखाई दे रहा, देखो बदल रहा कौन है, ये कोण ही तो बदल रहा है। यदि इस अरे भुजा को मान लो इधर लिया हूं मैं, तो कोण और बड़ा हो जाएगा, और लिया तो और बड़ा हो जाएगा, नीचे लिया हूँ तो और छोटा हो जाएगा, मतलब बदल रहा कौन है थीटा ही तो बदल रहा है। तो देखो अब इसको अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो करोगे कैसे, आर स्क्वायर तो अपना क्या है कॉन्स्टेंट, इसका करोगे किसे यू डॉट वी से, तो यू डॉट वी से करता हूं मैं। एक बार इसको कॉन्स्टेंट मान करके इसका अवकलन करोगे तो इसका तो कितना हो जाएगा, एक का तो जीरो, साइन का क्या हो गया कोस थीटा, प्लस एक बार इसको कॉन्स्टेंट रख लेता हूँ, ये लीजिए एक बार इसको कॉन्स्टेंट रखता हूँ, कोस का कितना हो जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हल करोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर, ये अपने को क्या मिल गया कोस स्क्वायर थीटा मिल गया। यहाँ से हल करोगे तो माइनस का साइन थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी डी अपॉन डी थीटा आता है, अरे जो भी एक बार अवकलन आया उसके बराबर क्या रख देते हैं जीरो। अरे जब भी अपने को अधिकतम या न्यूनतम सिद्ध करना होता है, उच्चिष्ट निम्न सिद्ध करना होता है, तो अपन करते क्या है, कल ही मैंने बताया था, जिसने कल वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है एक बार वो जरूर देख ले, उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर करवा दी है, ठीक है। तो अपन करते क्या है, जब भी अधिकतम और न्यूनतम सिद्ध करना होता है, मान लो इसको करना अपने को अधिकतम या न्यूनतम सिद्ध, तो मैंने एक बार इसका एक बार अवकलन किया और उसके बराबर अपन क्या रख देते हैं जीरो। अब यहां से किसका मान निकालूंगा मैं, थीटा के जितने भी मान निकलेंगे अपन निकाल लेंगे, उसको फिर रखते किसमें है, एक बार दोबारा अवकलन करते हैं फिर उसमें हम रखते हैं। तो देखो मैं डी अपॉन डी थीटा ये तो है, इसके बराबर जीरो रखता हूं, तो देखो है क्या आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जीरो अपने पास में मिल रहा है। अब देखो आर स्क्वायर जरा कि क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अरे ये तो आर स्क्वायर तो जरा कि जीरो हो गया, ठीक है। अब थीटा का मान निकालेंगे कैसे,
अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां साइन भी है और कोस भी है, तो मैं क्या करूंगा, तो सबको साइन में बदल लो या सबको कोस में बदल लो, लेकिन कोस में बदलना अपना क्या रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कोस में बदलने के लिए अपन देखो यहां पर क्या आएगा, अनरूट आएगा, साइन थीटा करोगे तो अनरूट वर माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा होगा, फिर उसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपने को करना क्या, जिसकी भी आपको घात एक दिखाई दे, घात एक किसकी दिखाई दे रही है मेरे को, साइन की, तो सबको किसे बदल लो, साइन में बदल लो, आसान रहेगा। कैसे देखो बदलता हूं मैं, कोस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये तो साइन ही है, ये भी साइन ही है, देखो कितना आसान हो गया। अच्छा और यदि कोस में बदलते हैं तब देखो, ये तो कोस था, कोस स्क्वायर से था, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इसको कैसे बदलते हैं, अंडरूट आता, फिर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर करते हैं, फिर हल करते हैं, बहुत ज्यादा समस्या होती है ना, तो अपन जिसकी घात एक होगी मैं उसी में बदलूंगा, घात मेरे को एक इसकी दिखाई दे रही है साइन की, तो सबको किसे बदलना है आपको, साइन में, उससे आसान हो जाएगा, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस में बदलना है अपने को, जिसकी घात एक हो उसी में बदलना, बराबर में कितना है जीरो। अब यहां से मेरे को क्या दिखाई दिया, यहां से मेरे को दिखाई दिया एक, एक माइनस का साइन थीटा और माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, और सबको माइनस से गुणा कर दो, पूरे समय को माइनस से एक से गुणा कर देता हूँ, माइनस से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात है उसको अपने किसके रख लेते हैं, प्लस के रख लेते हैं, सबको इधर भेज दो, इधर भेज दोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा करो सबको माइनस से एक से गुणा करोगे तो माइनस से गुणा करोगे तो ये तो किसका हो गया प्लस का, ये भी किसका हो गया प्लस का, और ये किसका हो गया माइनस का। अब अपन क्या करते हैं, आपको भी इसको हल करना थोड़ा सा कम आता, तो मैं अपने मन से क्या करता हूँ, साइन थीटा को मैं क्या मान लेता हूँ, माना साइन थीटा बराबर वाई मान लेता हूँ, जरूरी आप मानो, बिना माने भी कर सकते हो ना, साइन थीटा बराबर वाई मान लो, एक्स मान लो, कुछ ही मान लो ना, मैंने क्या मान लिया वाई मान लिया, तो ये क्या था, या फिर ये लो तुम्हारे एक्स में ज्यादा काम आता तो एक्स मान लेता, ये लो एक्स में गणन तुरंत कर देते हो तुम, तो ये कितना हो गया दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक। अब बताओ गुणनखंड आते हैं कि नहीं आते, इसको अपन क्या कर सकते हैं, गुणनखंड से हल कर सकते हैं, ठीक है, तो गुणनखंड करोगे तो इस क्या देखो गुणा करने पर कितना आ जाए, तो इसको हल कर लेना कि गुणा करने पर तो माइनस दो आ जाए और जोड़ने घटाने पर से एक आ जाए, तो आपको क्या मिलेंगे, एक तो दो एक्स और एक माइनस का एक्स, तो इस प्रकार से आप टुकड़े करोगे, टुकड़े करने के बाद हल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो ये मिलेगा दो एक्स माइनस एक और एक क्या मिलेगा एक्स प्लस एक, हर हल करके देखना दो दो के जोड़े बनेंगे, इसका जोड़ा बनाओगे इनमें से क्या कौन आएगा दो एक्स, बचेगा एक्स प्लस एक, इनमें से क्या कौन आएगा माइनस एक, कर लेना है ना, तो ये मिलेगा। अब यहाँ से देखो आपको एक्स का मान क्या क्या मिलेगा, देखो एक बार तो इसके बराबर जीरो रखोगे और एक बार इसके बराबर जीरो रखोगे, देखो इसके बराबर जीरो का तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस एक, यहाँ से एक्स बराबर कितना आया एक बटा दो, मैं एक्स का मान वापस रख देता हूँ, अरे एक्स अपने मन से माना था, अपने मन से ऐसे थोड़ी तुम तो अपने मन से कुछ भी रखोगे निकाल दोगे उत्तर, ऐसा थोड़ी है, अपने देखो एक्स किसको माना था साइन थीटा को, तो एक्स की जगह मैं क्या रख देता हूँ साइन थीटा रख देता हूँ, साइन थीटा बराबर कितना एक बटा दो, तो थीटा बराबर कितना हो गया साइन को इधर भेज दो, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक बटा दो। अब आपको ध्यान में ये साइन का मान एक बटा दो कितने डिग्री पर होता है बता सकते हो, साइन का मान एक बटा दो कहाँ पर होता है पाई बाई सिक्स पर ही तो होता है, मतलब 30 डिग्री पर तो होता है साइन का मान। अच्छा और एक बार अपन क्या करेंगे अक्ष, ये अक्ष की जगह फिर क्या रखूंगा मैं साइन थीटा बराबर माइनस एक, थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स माइनस एक। अब आप बता सकते हो साइन वर्स माइनस एक, साइन का मान माइनस एक कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है आपको ध्यान में कहाँ पर होता है पाई पर ही, तो सॉरी पाई पर क्या कितने पर होता है अपना 3π/2 पर होता है, अरे 3π/2 पर ही तो होता है, देखो साइन का मान ये जीरो, ये पाई, ये पाई बाई टू, ये 3π/2, साइन का मान जीरो पर कितना होता है जीरो, पाई बाई टू पर कितना होता है एक, इस पर कितना होता है जीरो, इस पर कितना होता है माइनस एक, अरे यहाँ एक है तो यहाँ कितना होगा माइनस एक, इस प्रकार से अपना। अब आप एक चीज ये बताइए कि ये जो थीटा है वो 3π/2 में ले सकता हूं क्या, अपन थीटा का मान 3π/2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, इसका एक कारण है, कारण का मतलब कारण क्या है, देखो थीटा का मान 3π/2, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। अब आप सोचिए कि यदि थीटा का मान 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री देखो कहां, यदि 270 डिग्री बनाता हूं मैं, देखो 270 बनाओगे तो कहां आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा क्या, अरे ऐसा ही तो आएगा, देखिए 270, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बनाओगे थीटा का मान 270 बनाओगे तो देखो घूम करके, अरे ये तो अभी देखो 90 तो यहाँ होगा, 180 और 270 का होगा यही तो होगा। अब बताओ कोई ये थीटा का मान इतना हो गया तो बताओ कोई त्रिभुज बनेगा क्या, या मेरे को कोई त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा, देखो अभी तो देखो ये जो कोण है वो हमेशा किससे कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, तभी अपना क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा, यदि देखो ये कोण भी 270 है, या ऐसा समझ लीजिए कि अपने ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको माइनस पाई बाई टू का मतलब माइनस 90, तो माइनस का 90 बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे, देखो थीटा
अभी इस लाइन के देखो थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ लेता हूं 90, देखो नीचे की तरफ बढ़ाया 90, इधर भी बढ़ाता हूं मैं, ये जो है नीचे की तरफ बढ़ाता हूं, ये लो 90। अब बताओ कोई त्रिभुज बनेगा क्या यहां? ये तो अपना क्या बन जाएगा, देखो ये भी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कहीं काटेगा क्या? नहीं काटेगा, तो मतलब ये अपन नहीं ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो थीटा का मान 3π/2 अपने को नहीं लेना है, मतलब थीटा का मान कितना हो गया? π/6। अब थीटा का मान π/6 हो गया तो इसको किस में रख देते हैं अपन? दोबारा अवकलन करके रख देते हैं। तो मैं दोबारा अवकलन करता हूं, कहां है अपने पास? एक बार अवकलन किया था अपने को, ये मिला था, तो इसको लिख देता हूं एक बार के लिए df/dθ, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का दोबारा किसके सापेक्ष करोगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे दोबारा, तो क्या हो जाएगा अपने पास में? d²a/dθ². अब r² तो अपने पास में क्या है? कोसेंट अवकलन करोगे, cos²θ का तो कितना हो गया? अब आपको ध्यान में है cos, या फिर थोड़ा सा और सरल करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता था? अरे cos²θ - sin²θ को मैं क्या लिख सकता था? cos²θ, इसको ऐसा तो लिख सकता था मैं, और माइनस का क्या है? sin θ। अब देखो अवकलन करोगे तो cos का तो क्या हो गया? माइनस का sin²θ, और θ का कितना हो गया? 2। जरूरी नहीं ऐसा करो, आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से करोगे तो cos²θ का 2cos θ, cos θ का माइनस का sin θ हो जाएगा, वहां से भी अपने को यही मिलता, और माइनस sin θ का माइनस तो sin θ का क्या हो गया? cos θ, और रखोगे क्या? d²a/dθ². अब इसमें थीटा की जगह आपकी तारक जगह π/6 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा? -2 sin π/6 रखोगे मतलब 30 रखोगे तो 30 दूनी 60, 60 का मतलब π/3, और पूरा मान रख देता हूं, और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, और -cos π/6 रखोगे तो cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। देखो यहां मिला कितना अपने को? यहां मेरे को मिला ये अपने पास में माइनस का 3√3/2 आएगा r², किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, और यदि इसका मान किस में होता है? माइनस में होता है, अतः ये क्या है? हमारा अधिकतम है। अरे जब d² दोबारा अवकलन करते हैं, यदि वो 0 से छोटा है तो बड़ा होता है अधिकतम, और यदि 0 से बड़ा है प्लस में हो तो क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो लिख देना कि ये हमारा 0 से छोटा आता है कि जो किसी भी वृत्त में जो बड़े से बड़ा दो त्रिभुज है वो खींचा जाएगा, वो कैसा होगा? अच्छा संभव कैसे होगा? अपने को ये तो पता चल गया कि ये जो है, ये जो त्रिभुज है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? अधिकतम हो गया। लेकिन अपने को इसको क्या सिद्ध करना था? संभव। तो संभव कैसे हुआ? अब उसके लिए अपन ये देखते हैं कि ये कोण अपना कितना है। देखो मैं ये कोण निकालता हूं, कोण ए भी निकालूंगा, कोण बी भी निकालूंगा, और कोण सी भी। तो पहले मैं कोण बी निकालता हूं, तो कोण बी कितना हो जाएगा? देखो थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये थीटा अपना कितना आ रहा है? ये थीटा अपने आ रहा है देखो π/6 प्लस π/6, या फिर इसका क्या कर दो? दुगुना कर दो। अरे थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब पूरा कितना हो गया? 2θ। तो देखो गुणा करोगे तो कितना मिल गया? π/3। मतलब कोण कितने का हो गया? 60 का। ऐसे ये भी कोण कितने का हो गया? 60 का, और ये भी बचेगा कितने का? 60 का। अतः ये हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि सिद्ध करो कि किसी गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। अब इसमें पहले अपने को तो ये देखना है कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ ये है किसी गोले के अंतर्गत, मतलब दिया हुआ क्या है? गोला दिया हुआ है, ठीक है। तो गोला दिया हुआ तो मैं क्या बना लेता हूँ? पहले गोला। अब गोला वृत्त जैसे बनेगा बोर्ड पर, तो अब गोला वैसे तो बना नहीं सकते, 3D आकृति अपने पास में ना, तो गोला ऐसे बना लिया, ये अपना वृत्त जैसे गोला, ये समझो कि गोला है। अच्छा गोला दिया हुआ है तो जो भी दिया हुआ है इसकी जो भी विमाएं हैं, जो भी डायमेंशन है वो क्या होगी? फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट होगी। अब बताओ गोले में केवल एक ही चीज होती है, एक ही डायमेंशन होती है, क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या तो बोला करते हैं विमा केवल एक ही होती है, त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या है वो फिक्स होगा, और मान लेना कि जो गोला दिया हुआ है तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर आप मान लेना, ठीक है? कैपिटल आर मान लेना। मैं बाद में बढ़ाऊंगा त्रिज्या, कहां बढ़ाऊंगा वो देखेंगे अपन बाद में। अब बताओ कहीं पर भी आप लोगे तो त्रिज्या ही तो होगी। अब इसके अंदर अपने को क्या बनाना? शंकु। लेकिन जो सबसे बड़ा शंकु होगा, अरे शंकु तो कई सारे बनेंगे इसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा शंकु होगा मैं एक आसानी से बना लेता हूँ ऐसे ही, है ना? ये लीजिए, ये लो, ये अपना शंकु है। अच्छा ये अपना शंकु है, कोई बात नहीं। अब आप एक चीज ये बताओ कि ये क्या है? ये अपनी त्रिज्या है क्या? ये त्रिज्या किसकी है? बड़े वाले गोले की, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या मैंने बोली थी कॉन्स्टेंट है, और शंकु। अच्छा ये क्या बताओ, ये भी अपनी त्रिज्या है कि नहीं है? अरे ये भी किसकी त्रिज्या है? गोले की है,
है ना गोले की कैपिटल आर ना, और ये देखोगे तो ये भी गोले की त्रिज्या है, लेकिन ये नहीं ले रहा मैं, अपना काम समझाएगा इससे है ना कि वो चित्र को बंधा करें अपन, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और ये अपना क्या हो गया, इस वृत्त का केंद्र हो गया, अब इसको मिलाओगे और ये क्या हो गई त्रिज्या, लेकिन ये त्रिज्या किसकी है, ये वाली त्रिज्या किसकी है, शंकु की। अच्छा शंकु की त्रिज्या क्या होगी, मैं ये काम करता हूँ, देखो शंकु में दो चीजें होती है, एक तो त्रिज्या और एक होती है ऊंचाई, और एक तिर्यक ऊंचाई भी होती है ना, एक तो होती है रेडियस, एक होती है हाइट, और एक होती है स्लेंट हाइट, है ना। लेकिन देखो तीन तीन वेरिएबल होते हैं, तो अपन करते क्या है, अपन किसी एक में चेंज कर लेते हैं, मैं किस में खेलता हूँ, एंगल में, कोण में बढ़ाता हूँ ना, तो इस कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। चलो इस कोण को मैंने थीटा मान लिया, अब आप आसानी से बता सकते हो, मैंने पिछले बार बताया था कि ये थीटा है, ये अपना करण हो गया, अरे 90 डिग्री का कोण है ये, तो अपने का ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो बताओ ये क्या हो गया अपना, आर कोचना हो गया कि नहीं हो गया, आधार जो होता है वो आर कोचना होता है, जो लंब होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा। तो बताओ कि जो बड़े गोले की त्रिज्या थी वो तो फिक्स थी, और जो छोटे वाला गोले की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, वो कितनी हो गई, ये हो गई अपनी आर कोच का, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपको क्या दिखाई दे रही है, आर प्लस आर साइन थीटा, यहाँ से देखो आर तो कॉमन आ गया, बचा क्या वन प्लस साइन थीटा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार दोबारा लिख दिया था कि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए अपने को करना क्या, जो शंकु का आयतन वो सबसे बड़ा करना है, तो आयतन को अपन क्या नाम देते हैं वी, और आयतन होता क्या है शंकु का, एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर, अरे वॉल्यूम होती है ना वॉल्यूम, तो वी नाम दे दिया मैंने। और देखो यहाँ दो दो चर है, एक तो आर है एक एच है, तो मैं सबको एक में बदल लेता हूँ, देखो मैंने आर को भी किसे बदल दिया थीटा में, एच को भी किसे बदल दिया थीटा में, तो मान रख देता हूँ देखो एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और एच का मान कितना है, एच का मान ये है ना, तो आर है, तो आर का तो क्या हो गया क्यूब, और क्या है वन प्लस साइन थीटा। अब करोगे क्या, अब अपने को जब भी क्या करना है आयतन क्या करना है, क्या करना है सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा मतलब इसका आयतन क्या करना है, अपने को अधिकतम करना है, तो जब भी अधिकतम या न्यूनतम करना है, तो एक बार क्या करोगे आप अवकलन करोगे, तो मैं एक बार अवकलन करता हूँ डी वी अपॉन डी थीटा, अरे चलो यहाँ थीटा ही तो है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो देखो एक बटा तीन पाई आर क्यूब तो कॉन्स्टेंट है, इसका किससे करोगे यू डॉट वी से, तो यू डॉट वी से करता हूँ, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट, इसका करोगे तो एक का तो जीरो, साइन का क्या हो गया कोस थीटा, और एक बार ये कॉन्स्टेंट अपना कॉन्स्टेंट कौन है वन प्लस साइन थीटा, इसका करोगे कोस स्क्वायर थीटा का, तो कोस देखो लिखी देता हूँ एक बार, ये अपना क्या है वन प्लस साइन थीटा, तो क्या है कॉन्स्टेंट, कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया टू कोस थीटा, फिर कोस का भी तो करोगे, कोस का क्या होगा माइनस का साइन थीटा। अब दो तरीके हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता था, क्या लिख सकता था साइन टू थीटा, मैं साइन टू थीटा नहीं लिख करके मैं आगे करता हूँ, देखो आगे सोल्व कैसे करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, देखो एक बटा तीन पाई आर क्यूब, और इसको इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, कोस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है, तो कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, और कोस थीटा कॉमन लिया, कोस थीटा कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ से तो बचा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो माइनस का क्या बचेगा दो साइन थीटा, और माइनस के दो साइन स्क्वायर थीटा, यही तो अपने पास में बचा, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बराबर क्या रख देते हैं जीरो रख देते हैं, अरे इसके बराबर तो जीरो रखते हैं अपन, ये एक बार जो अवकलन किया उसके बराबर जीरो रखा, यहाँ से अपन जो वेरिएबल हुआ वेरिएबल क्या है यहाँ थीटा है, तो थीटा का मान निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखो ये तो इधर आके क्या हो गया जीरो, बचा क्या अपने पास में, एक तो है कोस थीटा, और देखो मैंने बताया था इसको सोल्व करने के लिए जिसकी घात एक दिखाई दे रही है, एक घात किसकी है साइन की, तो सबको किसे बदलोगे साइन में, तो बदलो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है जीरो, ये कोस थीटा, और यहाँ कितना हो गया देखो माइनस के तीन हो गया तीन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के दो साइन थीटा, और प्लस का कितना है एक, मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ माइनस एक से गुणा कर लेता हूँ, इधर भी माइनस एक से इधर भी माइनस एक से, क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात है वो किसके हो जाए प्लस की हो जाए, मैं प्लस की ले लेता हूँ ना, तो कोस थीटा माइनस एक से गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, अरे प्लस का हो गया, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जीरो के तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, हाँ, और इसके बाद इसके टुकड़े करोगे गुणनखंड करके आपको हल करना आता होगा, अरे गुणनखंड करोगे गुणा करने पर तो कितना आ जाए माइनस का तीन साइन स्क्वायर थीटा, और जोड़ने घटाने पर दो साइन थीटा, तो आपको मिलेगा कितना तीन साइन थीटा माइनस एक, और एक मिलेगा साइन थीटा और प्लस एक, सोल्व करके देखिएगा आपको इसी प्रकार से शायद मिलने वाला है, देखो टुकड़े क्या मिलेंगे आपको, ये तो मिलने वाले हैं, ठीक है आपको ये मिल जाएगा, देखो हल करके देख लीजिए, गुणा करोगे तो तीन साइन स्क्वायर थीटा
ये तीन हां ठीक है ये अपने को मिल जाएगा सेम मिलेगा बराबर में कितना 0 अरे गुणनखंड पर करना आपको आता होगा अब एक बार तो इसके बराबर 0 रखोगे देखो cos बराबर 0 रखता हूं तो थीटा बराबर क्या हो गया cos 0 अब आप बता सकते हो cos का मान 0 कहां होता है पाई बाय 2 पर होता है अब बताओ कोण पाई बाय 2 ले सकता हूं क्या नहीं लेना अपने को कोण जो है 90 से कम ही लेना है यदि कोण देखो 90 हो गया ये जो रेखा है ये 90 हो गया तो बताओ शंकु बनेगा क्या इधर वाला जो कोण है अरे इधर भी बना सकता था मैं तो ये कोण 90 हो गया तो बताओ शंकु बनेगा क्या नहीं बनेगा हां हो सकता है ये आगे जाकर के बेलन बन जाए लेकिन शंकु तो नहीं बनेगा शंकु के लिए जो कोण है वो 90 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए अरे झुकाव तो होना ही चाहिए ना ठीक है इसलिए ये अपना संभव नहीं है और एक बार मैं क्या करता हूं इसके बराबर में 0 लेता हूं तो sin थीटा बराबर कितना हो गया -1 थीटा बराबर क्या हो गया sin इनवर्स -1 sin का मान 1 का होता है आपको ध्यान में 270 पर होता है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था तो बताओ 270 भी हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो मतलब मामला गड़बड़ है तो मैं क्या करता हूं एक बार अब अपने पास में इसके बराबर भी दे दिया इसके बराबर भी बचा कौन ये बचा तो मैं इसके बराबर लेता हूं देखो क्या है 3 sin थीटा -1 बराबर 0 तो sin थीटा बराबर आपको कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा थीटा बराबर लिख भी सकते हो sin इनवर्स 1/3 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अब ये जो मान आया है ये अपने को किस में रखना है इसका दोबारा अवकलन करके रखोगे जो दोबारा अवकलन करोगे d²y/dθ² तो आप कर सकते हो ना अरे दोबारा अवकलन तो आप कर सकते हो इसका किससे करोगे u डॉट v से आप कर सकते हो या इसको थोड़ा सा आप और सरल कर लेना सरल कैसे करोगे सरल इस प्रकार से आप इसको करोगे किसको क्या लिख सकते हो अच्छा ठीक है इसको तो नहीं सकते बाकी आप इसी से कीजिएगा u डॉट v से ही इसको क्या करना है अपने को हल करना है तो u डॉट v से हल करोगे और वहां पर sin थीटा बराबर कितना रखोगे 1/3 और यदि कहीं cos थीटा दिख जाएगा उसकी जगह कितना रखोगे अरे sin का मान 1/3 मतलब 1/3 क्या है करण तो बताओ आधार कितना आएगा आधार आपको कितना मिलेगा अंडर √8 तो मिलेगा अरे अंडर √8 कैसे मिलेगा अरे करण 3 है लंब 1 है तो करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर आधार अंडर √8 आ गया तो बताओ cos थीटा की जगह आप क्या रखोगे √8 का मतलब 2 √2 भी आप लिख सकते हो बटा में कितना करने कितना है 3 जहां पर आपको sin थीटा दिखे उसकी जगह तो रख देना 1/3 और जहां cos थीटा दिखे तो उसकी जगह क्या रख देना 2 √2/3 उसके बाद जो भी आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा अरे लेस देन 0 आएगा मतलब चिन्ह किसका आएगा बाहर माइनस का आएगा सॉल्व करने के बाद माइनस में आ गया इसका मतलब ये अपना क्या है अधिकतम हुआ कि नहीं हुआ मतलब सबसे क्या हो गया ये बड़ा हो गया और अधिकतम हो गया तो अपने को सिद्ध क्या करना वो चेक कीजिए सिद्ध अपने को ये करना कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होगा तो मैं शंकु का आयतन निकालता हूं तो शंकु का आयतन कहां गया ये रहा मैं ये काम में लूंगा क्योंकि अपन ने सारा काम किस में बदल लिया थीटा में तो देखो v बराबर कितना है 1/3 पाई r क्यूब अच्छा cos स्क्वायर थीटा का मान मैं किससे बदल लेता हूं sin में बदल लेता हूं क्योंकि अपने को किसका मान पता है sin का और जरूरी किससे कर सकते हो cos का मान भी अपने को क्या लग गया पता चल गया तो cos से भी कर सकते हो तो cos का मैं सीधा ही रख देता हूं चलो मैं ये रख देता हूं अच्छा तो ये रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे या देखो ये अपना आधार √8 ही तो था तो ऐसा कैसे रहने दो ताकि और सरल हो जाए तो देखो √8 का स्क्वायर कितना हो गया अरे cos का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को इसलिए √8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1 प्लस sin थीटा का मान कितना है sin थीटा का मान दिखाई दे रहा कितना 1/3 तो मेरे को हल करने पर मिला ये देखो v बराबर 1/3 पाई r क्यूब ये कितना है 8/9 तो है ही ये कितना हो गया 3 × 3 और 1 4/3 तो मैं ऐसा लिख लेता हूं देखो ये कितना हो गया 8/27 ये तो एक जगह देखो और बाकी ये और ये एक जगह लिख लेता हूं मैं कितना 4/3 पाई r क्यूब अब आप बताइए ये तो आयतन किसका था लिख देना शंकु का आयतन पूरा लिख देना शंकु का आयतन मैं भी लिख दिया ना और बराबर कितना है 8/27 ये क्या है 4/3 पाई r क्यूब किसका आयतन होता है गोले का ही तो होता है और ये r देखो कैपिटल r त्रिज्या किसकी है गोले की तो है तो ये क्या हो गया अपना गोले का आयतन ठीक है गोले का आयतन तो हो गया नहीं शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है अब देखते हैं 8.6 का प्रश्न नंबर 7 और काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके डाउट रहते हैं इसलिए मैंने ये लिया है बार-बार आपको डाउट क्लियर नहीं करना पड़े देखो एक बार में इसको समझ लेना यदि दीर्घवृत्त अपने पास में ये दिया है इसके किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु है वहां पर अभिलंब खींचा गया वहां पर अभिलंब अपने को खींचना है और सिद्ध करो कि अच्छा पहले एक बार जो बोला वैसे मैं बताता जाता हूं देखो अपने को बोला क्या है अपने को ये बोला कि दीर्घवृत्त है तो मैं दीर्घवृत्त बना लेता हूं ये लीजिए अपन क्या बना लेते हैं दीर्घवृत्त बना लेते हैं ठीक है दीर्घवृत्त बना लिए ये अपना x अक्ष ये अपना y अक्ष ये अपना क्या हो गया इसका मूल बिंदु हो गया ठीक है यदि ये है तो और अपने को ध्यान में ये दूरी कितनी है a
है ना, ये दूरी तो कितनी हो गई, ए हो गई ए कोमा जीरो, ये अपनी दूरी क्या हो गई, बी हो गई जीरो कोमा बी। यहाँ आप उदाहरण ना मैंने ए बड़ा लिया और बी छोटा लिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद में और ये बड़ा छोटा क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ अपने को दूरी अधिकतम कैसे करनी है, ए माइनस बी। दूरी हमेशा प्लस की होती है, और प्लस की कब होगी, जब ये ए तो बड़ा होगा और बी छोटा होगा तभी तो प्लस का आएगा। अरे बड़े में छोटा बैठाओगे तभी तो प्लस का होगा, है ना। तो ये ए ये बी है ना, इस प्रकार से अपने ले लिया। अब यहाँ पर कोई भी बिंदु, किसी बिंदु पर कोई भी एक बिंदु मैं ले लेता हूँ, ये लो कि कोई भी एक बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ पर कोई ले लिया बी, है ना। यहाँ पर अभिलंब खींचा गया, तो अभिलंब कैसे खींचोगे, पहले क्या बनाओगे, स्पर्श रेखा 8.3 में अपन ने किया था, स्पर्श रेखा खींच करके उस पर अपन क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण, तो वो अपना क्या होता है, अभिलंब। अच्छा और ये ध्यान में, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0.0, और ये अभिलंब है। अब अभिलंब का समीकरण आपको याद रखना ही पड़ेगा, और याद नहीं रखो तो सोल्व भी कर सकते हैं। 8.3 में अपन ने किया था, उसी प्रकार से अपन कोई भी बिंदु होता है अपने दीर्घवृत्त पर, उसको अपन क्या मानते हैं, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, और यहाँ से भी अपन हल कर सकते हैं। एक बिंदु आ गया और प्रवणता निकाल लेते, प्रवणता आपको ध्यान में डीवाई अपॉन डीएक्स निकालते, कैसे निकालते हो, इसका अक्ष अवकलन करोगे, फिर अक्ष की जगह तो ये रख देना, वाई की जगह ये रख देना, तो उसकी प्रवणता आ जाएगी किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी, और उसका उल्टा करके चिन्ह बदल दोगे तो किसकी प्रवणता आती है, अभिलंब की। और फॉर्मूले से अपन हल कर लेते, वाई माइनस वाई वन बराबर है हमें एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन ऐसा नहीं करके आपको याद ही रखना, वरना तो आधा काम, तो देखो आप 2-3 पे तो इसी में भर दोगे ना, तो देखो करोगे क्या, और 3 नंबर का क्वेश्चन तो इतना बड़ा थोड़ी करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन करते क्या है कि इसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण आपको याद रखना क्या, एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोस एक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। में एक काम करता हूँ, उसको बराबर के पहले ले लेता हूँ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर में क्या है, 0। चलो अच्छी ठीक, ये आपको याद रखना रख लेना है कि एक्स एक थीटा माइनस बी वाई कोस एक थीटा माइनस ब्रेकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। किसका समीकरण, अपना अभिलंब का समीकरण है। अब अपने को इस क्या बोला है, दीर्घवृत्त के केंद्र से, तो दीर्घवृत्त का केंद्र ये है, अभिलंब की अधिकतम दूरी, अभिलंब की दूरी, तो यहाँ से दूरी देखनी है, तो दूरी हमेशा वही देखते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अपने को ये दूरी जो है, ये दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ डी, इसको अपने को कैसे देखना है, अधिकतम। अब देखो एक बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं, अब आपको ये ध्यान में नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा तो ध्यान में है कि एक बिंदु और दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो आपको ध्यान में, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का पूरे का अनुरूप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, बात करते हैं किसकी, एक बिंदु और रेखा की। तो जब भी एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी देखते हैं, तो अपन करते क्या है, चलो मैं बता देता हूँ एक बार इसको, ना आप, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, और कोई बिंदु हो एच कोमा के, तो बीच की दूरी देखोगे तो दूरी का फॉर्मूला होगा, ये एच और के है, एक्स और वाई की जगह रख दीजिए, एक्स और वाई की जगह रखोगे एक्स की जगह एच, वाई की जगह कितना रखोगे के, तो बी के प्लस सी बटा अनुरूढ़ अक्ष का गुणा क्या है ए स्क्वायर, वाई का गुणा क्या है बी स्क्वायर का मोड, मोड इसलिए लगाया क्योंकि दूरी हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है। अब करते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, अब मैं देखो वही बात है, ये तो अपना बिंदु है और ये अपना समीकरण है, ये अपना बिंदु ये अपना समीकरण, तो ये जो बिंदु है वो किसमें रखोगे, इसमें रखोगे, तो इसमें रखोगे, तो देखो बी इसकी दूरी में निकालता हूँ, तो दूरी का होना ये 0 और 0, इसमें रख देता हूँ अक्ष की जगह 0, वाई की जगह भी 0, ठीक है। और उसके बाद में ये तो 0 0 हो गए, यहाँ बचा क्या, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बटा अंगूर, फिर क्या था, अभी मैंने बताया अक्ष के गुणांक का स्क्वायर, अक्ष के गुणा में ये है, तो ए से एक थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर लगा दिया, और बी के गुणा में ये है, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस में, तो क्या आएगा बी स्क्वायर कोस एक स्क्वायर था। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं क्या करता हूँ ये मोड हटा देता हूँ, और ये चिन्ह किसका हो गया, प्लस का हो गया, है ना। अरे मोड़ लगाते ही किसका हो जाता है, प्लस का अपने पास में हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने को ये दूरी ये तो निकालनी है, तो दूरी ये अधिकतम दूरी कितनी होगी, ए माइनस बी, यहाँ से सोल्व करके अपने को दूरी लानी होगी। लेकिन अपने को यहाँ दूरी को मैं अधिकतम सिद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि दूरी को अधिकतम सिद्ध करते ही अपना क्या होगा, बहुत बड़ा होने वाला है ना। कैसे करोगे, अब देखिए वन अपोन अक्स का क्या होगा, माइनस वन अपोन अक्स स्क्वायर, फिर रूट अक्स का वन अपोन टू रूट, फिर अंदर वाले का करो, यहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा ओपन करोगे तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी अपने। तो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ, दूसरा तरीका क्या, आप ये ध्यान दीजिए, मान लो वाई बराबर एक बटा अक्स दे दे इस प्रकार से कुछ देर का, मान लो उसको कैसा भी हो। अब यहाँ आप देखोगे यदि अपना अक्स अधिकतम होगा, यदि अक्ष बड़ा होगा तो वाई क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है ये उल्टे हैं, और यदि अक्ष छोटा होगा तो वाई का मान क्या आएगा, बढ़ाएगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं यहाँ भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे को इसको क्या करना है, अधिकतम सिद्ध करना है, इसको मेरे को क्या करना है, अधिकतम सिद्ध करना है। तो मैं इसको अधिकतम नहीं करके मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे वाले को क्या सिद्ध कर लेता हूँ, न्यूनतम, क्योंकि ये न्यूनतम होगा
तो ये अपने यहां पे क्या हो गया अधिकतम हो गया तो मैं क्या करता हूं लिख लेना कि यहां यदि ए अंडरूट ए स्क्वायर ये जो भी है ना जो ये है ये न्यूनतम है तो जो दूरी है वो अधिकतम होगी इसलिए मैं क्या करता हूं इसको न्यूनतम सिद्ध कर लेता हूं है ना तो देखो इसको न्यूनतम सिद्ध करता हूं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इसको अपने मन से क्या मान लेता हूं मैं जेड मान लेता हूं और इसको न्यूनतम सिद्ध कर लेता हूं मतलब इसको न्यूनतम सिद्ध करूंगा और एक चीज और थोड़ा सा और सरल करने के लिए मैं ये मान लेता हूं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं स्क्वायर स्क्वायर करने से देखो अंडरूट हट गया अब आपको ध्यान में जेड न्यूनतम था तो जेड स्क्वायर भी क्या होगा न्यूनतम जैसे मान लो कोई मान लेता है 1 5 7 ले लेता हूं मैं तो ये इनमें से न्यूनतम कौन है 1 अब इनका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 1 25 और 49 अब बताओ न्यूनतम कौन है अभी यही अरे 1 का स्क्वायर अभी क्या है न्यूनतम है तो मैं इसको अपने मन से क्या मान लेता हूं 1 r मान लेता हूं ना तो इसको मैंने क्या मान लिया z स्क्वायर की जगह मैंने क्या मान लिया r मतलब z स्क्वायर को न्यूनतम नहीं करके मैं किसको कर लेता हूं r को अरे एक ही बात है z स्क्वायर को मैंने क्या नाम दिया है r नाम दिया है तो मैं इसको क्या कर लेता हूं न्यूनतम सिद्ध कर लेता हूं अब न्यूनतम कैसे सिद्ध करता है अब ये तो आपको ध्यान में होगा न्यूनतम सिद्ध करने के लिए आप करोगे क्या एक बार अवकलन जब भी आपको सिद्ध करना न्यूनतम या अधिकतम तो पहले एक बार अवकलन कीजिए करता हूं मैं आगे यहां कर लेता हूं चलो यही कर देते हैं अपना देखिए एक बार अवकलन करोगे dr / dθ थीटा के सापेक्ष में a स्क्वायर तो अपना क्या है कांस्टेंट sec स्क्वायर थीटा का आपको ध्यान में होगा अवकलन क्या होगा 2 sec थीटा फिर sec थीटा का क्या होता है sec थीटा / tan थीटा तो sec थीटा दोबारा आएगा तो क्या हो गया स्क्वायर sec थीटा / tan थीटा प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है cosec स्क्वायर का क्या होगा 2 cosec थीटा और cosec थीटा का खुद का करोगे तो क्या आएगा माइनस का तो माइनस बाहर लगाता हूं माइनस cosec थीटा / cot थीटा ये अपना आ गया ठीक है अब अपन क्या करते हैं ये जो भी आया है अरे जो dr / dθ आया है उसके बराबर अपन क्या रख देते हैं 0 इसको लेता हूं मैं समीकरण नंबर 2 पहले तो उसको समीकरण 2 देना और उसके बाद आप क्या करोगे इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 को कि मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूं उसके बराबर यही रख दिया 0 ना ताकि अपना समय की बचत हो जाए और ये भी बचत हो जाए अपना ठीक है बोर्ड की भी बचत हो जाए अब देखो पूरे में किसका भाग जा रहा है 2 का दे लिया अरे 0 का 2 का भाग देगा तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा हां यहां है क्या a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा / tan थीटा इसको बराबर के बाद लिया तो क्या हो गया b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा और cot थीटा है ना अब देखो sin cos से बदल लेता हूं मैं तो क्या हो गया a स्क्वायर ये क्या हो गया अपन से बदलोगे तो ये तो अपना क्या हो गया 1 / cos स्क्वायर थीटा ये tan क्या होता है अपना sin थीटा / cot थीटा बराबर क्या है b स्क्वायर cosec स्क्वायर क्या होता है अपना 1 / sin स्क्वायर थीटा cot क्या होता है cos / sin अब sin cos वालों को एक तरफ बाकी को एक तरफ है ना तो देखो ये अपने पास में यहां क्या दिखाई दे रहा देखो इनको मैं एक तरफ कर लेता हूं तो इनको एक तरफ करोगे तो sin तो यहां है ये नीचे वाले भी ऊपर आएंगे तो यहां sin क्यूब है और sin ये का sin की घात कितना हो गया 4 थीटा है ना और ये अपना देखो नीचे क्या है cos की घात 3 है और ऊपर वाला नीचे आएगा तो cos की घात कितना हो जाएगा 4 थीटा बराबर क्या है b स्क्वायर / a स्क्वायर है ये लीजिए b स्क्वायर / a स्क्वायर मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं अंडरूट कर लेता हूं अंडरूट किया तो ये क्या हो गया अपना अरे sin की घात 4 तो क्या हो गया ये sin स्क्वायर / cos स्क्वायर और sin स्क्वायर / cos स्क्वायर आपको ध्यान में है ये अपना क्या हो गया tan स्क्वायर तो हो गया ठीक है और ये क्या आ गया b / a अरे अंडरूट हट गया और प्लस माइनस में आएगा ध्यान लेकिन मैं प्लस वाला ले रहा हूं क्यों क्योंकि माइनस वाला लूंगा तो दोबारा अंडरूट करूंगा देखो दोबारा tan थीटा बराबर क्या हो गया यहां से अंडरूट b तो और ये तो आ जाएगा अंडरूट लगा दोगे स्क्वायर आओगे तो अंडरूट लग गया और जब ये दिया माइनस होता तो माइनस वाले का अंडरूट काल्पनिक संख्या होती है इसलिए मैंने माइनस वाला नहीं लिया तो ये tan थीटा का मान हो गया अच्छा चलो अच्छी बात है tan थीटा का मान ये आ गया चलो अपने को जरूरत पड़े मान लो किसकी cot थीटा की तो cot थीटा आपको ध्यान में होगा कितना हो गया अंडरूट a / अंडरूट b है ना ऐसा ही तो हो गया और मान लो अपने को और किसकी जरूरत पड़े अपन करते हैं और थोड़ा सा आगे तो अपन थोड़ा सा और आगे करते हैं तो और आगे करोगे तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी अपन क्या करेंगे इसका दोबारा अवकलन करते हैं अरे जो भी मान आया ये किस में रखते हैं इसका दोबारा अवकलन करके रखते हैं तो मैं दोबारा अवकलन करता हूं तो दोबारा अवकलन करूंगा तो देखो d स्क्वायर r / d थीटा स्क्वायर मैं दोबारा अवकलन करके ही बता देता हूं पूरा ताकि आपके कोई समस्या नहीं रहेगी ना देखो a स्क्वायर तो अच्छा a स्क्वायर का 2 भी तो था ये तो अपन ने बाद में काटा था बराबर 0 रखने के बाद में तो देखो 2 का वो 2 पड़ा रहेगा अपना क्या रहता 2 a स्क्वायर तो क्या है कोशेंट है इसका u डॉट v से करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा कोशेंट tan का करोगे तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर तो दोबारा क्या हो गया sec स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो गया क्या
अरे या फिर ऐसा लिख दो, नहीं अब नहीं आता तो देखो sec स्क्वायर का कोशेंट 10 का करोगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, तो गुणा में ही तो है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक अच्छी बात है। और प्लस अब की बार इसको कोशेंट मानता हूं, किसको tan थीटा को, किसका करोगे sec स्क्वायर थीटा का, तो sec स्क्वायर थीटा का क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा का होगा 2 sec थीटा, फिर sec थीटा का करोगे तो sec थीटा का क्या आएगा, sec थीटा आएगा sec थीटा tan थीटा, ये हो गया। और माइनस का है माइनस के 2b स्क्वायर, ये अपना कांस्टेंट है, इसका फिर u डॉट v से करोगे, तो पहला वाला ऐसा कैसा cosec स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कैसा cot थीटा का करोगे, तो cot थीटा का माइनस माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे cosec स्क्वायर थीटा एक और आएगा, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। प्लस एक बार इसको कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, किसको cot थीटा को कांस्टेंट मान लेता हूं, तो cosec स्क्वायर थीटा का क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा का होगा 2 cosec थीटा, फिर cosec थीटा का माइनस cosec थीटा cot थीटा, ये लीजिए। ठीक है, अब यहां से अपन हल करेंगे थोड़ा सा, और माइनस दोनों में कॉमन आ गया तो 12 के किसका हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, और मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मेरे को यहां कॉमन दिखाई दिया क्या sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा में कॉमन ले लेता हूं, देखो 2a स्क्वायर तो था ही, और क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा, बचा क्या है यहां से sec स्क्वायर थीटा, और प्लस ये ले लिया मैंने sec स्क्वायर थीटा लिया, 2 तो बचा ही, अरे 2 यहां थोड़ी था, ये 2 तो बाहर वाला था ना, ये और क्या बचा अपने पास में tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लेता हूं मैं cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा यहां पर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये अपने ले लिया cosec स्क्वायर थीटा, क्या बचा cot स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करोगे तो देखो, सॉल्व करोगे तो देखो 2a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे बताओ, sec स्क्वायर थीटा निकालोगे कैसे, तो निकाल लेना आप sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो निकालोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहां से देखो tan स्क्वायर का मान सीधा ही पड़ा अपने पास क्या है b बटा a, तो यहां से कितना आएगा a प्लस b बटा a आएगा, ऐसे ही आप क्या निकालोगे cosec स्क्वायर थीटा, अरे इन्हीं की तो जरूरत पड़ेगी, अरे तो tan स्क्वायर की sec स्क्वायर की cot स्क्वायर की और cosec स्क्वायर की, तो देखो cot स्क्वायर क्या होगा, अरे tan स्क्वायर b बटा a है, तो cot स्क्वायर क्या होगा a बटा b होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, और एक इसमें जो पड़ेगी cosec स्क्वायर की, तो ये क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, अरे tan स्क्वायर का मान ये है, तो cot स्क्वायर का मान क्या आएगा a बटा b, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को a प्लस b बटा b आएगा, अरे b प्लस a, a की बात a प्लस b लिखो चाहे b प्लस a बटा में क्या है b, तो ये अपने को मिल गया। ये मान जब यहां रखोगे तो आपको दिख रहे हैं सारे किसके हैं, अरे अब तो रख सकते होगे, कितना आसान हो गया, अरे उससे तो आसान हो गया वरना बहुत बड़ा होता है हां, तो यहां से अपन हल कर सकते थे, यहां से देखो हल करोगे तो अपने को क्या मिल गया, ये सारे देखो किस में आ रहे, देखो सब में किसका चिन्ह बीच में प्लस का, मतलब उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा ग्रेटर देन 0, किसका मान आया ये d स्क्वायर r अपॉन d थीटा स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0 है, अतः ये हमारा क्या हो गया न्यूनतम हो गया। अच्छा लेकिन अपने को तो अधिकतम सिद्ध करना था, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं अरे अपना देखो ये जो ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो गया न्यूनतम, और न्यूनतम ही तो करना था अपने को किसको इसको, अरे ये जो नीचे वाला था इसी को तो अपने किया है, देखो नीचे वाला यदि न्यूनतम हो गया तो ये अपने यहां पे क्या हो गया अधिकतम, तो लिखना आता है जो दूरी होगी ये क्या हो गई अपनी अधिकतम हो गई, और अधिकतम दूरी हो गई तो अपने को निकालना भी है कि अधिकतम दूरी कितनी होगी a माइनस b होगी, तो मैं सॉल्व करता हूं, तो देखो अधिकतम मैं दूरी निकालूंगा, तो देखो दूरी निकालता हूं, तो दूरी के लिए समीकरण एक से हल करोगे तो दूरी क्या है अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में अंडर रूट a स्क्वायर। अच्छा sec स्क्वायर का मान अभी अपन निकाला था, तो वापस एक बार देख लीजिएगा अपन ने किसका मान कितना निकाला था a प्लस b बटा a प्लस b स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाला था a प्लस b बटा b, अब सॉल्व कर लीजिएगा a से a कट गया b से b कट गया b बराबर ऊपर तो अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आपको ध्यान में है, नीचे देखो क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से a प्लस b बचेगा क्या यहां से a प्लस b, अरे एक बार ही तो कटा था एक बार तो बच गया ना, तो देखो d बराबर अरे नीचे क्या है a प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कट गया रूट, अरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या a प्लस b से a प्लस b कट गया, कितना आ गया दूरी आ गई अपनी a माइनस b, ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। अब लेते हैं एक अंतिम क्वेश्चन, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास में क्या है किसी समबाहु त्रिभुज में a त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया, मतलब अपने पास में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है अपन बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज की, ये लीजिए और समबाहु त्रिभुज में क्या है एक वृत्त है, ये लो एक वृत्त भी बना देते हैं,
एक समबाहु त्रिभुज में क्या बन गया अपना एक वृत्त बन गया ठीक है वृत्त बनाएंगे तो सिद्ध करो कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 6√3 होगा मतलब जो वृत्त बनाया गया है तो वृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या तो क्या होगी फिक्स होगी अरे जो दिया गया है वो अपना क्या है फिक्स है उसकी विमाएं फिक्स होगी तो वृत्त है तो वृत्त की विमा मान लो इसकी त्रिज्या में क्या मान लेता हूं मैं r मान लेता हूं या ये लीजिए मैं त्रिज्या क्या मान लेता हूं r मान लेता हूं तो ये जो त्रिज्या है वो क्या है अपनी अरे त्रिज्या ही तो है ये अरे त्रिज्या ही तो होगी तो त्रिज्या क्या अपनी फिक्स है चलो ठीक है अच्छी बात है ये अपना त्रिज्या तो ये हो गया अपना और नाम देता हूं त्रिभुज को मान लो मैं a b c अच्छा और अपन देखते हैं ठीक है बाकी ये होगा देखो यदि विशेष इसको अपन सही करते हैं तो यहां क्या होगा ये समद्विबाहु त्रिभुज से अपना क्या होने वाला है बिल्कुल सही होने वाला है लेकिन अपन क्या यहां क्या दे रखा अपने समबाहु त्रिभुज तो एक बार अपन समद्विबाहु त्रिभुज से इसको कर लेते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज से थोड़ी समस्या होने वाली है कि कंफ्यूज रहता है कि मतलब करें कैसे है ना तो देखिए अपने पास में मैं काम करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज सरल कैसे होगा समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है केवल कितनी भुजाएं समान होती है अपने दो भुजाएं अपने समान होती है ये और ये भुजा अपन क्या मान लेते हैं समान मान लेते हैं ठीक है तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी क्या होगा बराबर मैं क्या करता हूं यहां से एक लाइन खींचता हूं तो बताओ ये जो पूरा कोण था उसका क्या हो गया आधा आधा हो गया दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग समान है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर तो जो पूरा कोण मान लो कितना भी था मैं नीचे वाला क्या मान लेता हूं थीटा तो बताओ ऊपर वाला भी कितना होगा थीटा मतलब पूरा कोण कितना हो गया 2 थीटा तो ऐसे इसी प्रकार से मैं इधर बनाता हूं तो बताओ ये कोण क्या हो गया अपना थीटा हो गया कि नहीं और मैं इसको मिला देता हूं यहां से लंब डालेंगे ठीक है ये अपना जो ये अपने पास में एक लाइन खींची मैंने तो ये इसको क्या करेगी समान दो भागों में बांट रही है अब बात करते हैं देखो इसके परिमाप की किसका परिमाप त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप न्यूनतम तो बाद में करेंगे पहले अपन किसकी बात करते हैं परिमाप की तो परिमाप निकाले कैसे तो परिमाप क्या होता है अरे जब ये भुजा और ये भुजा तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं वही तो अपना क्या होता है परिमाप होता है तो आप एक चीज ये बताइए कि ये देखिए यदि ये कितना है थीटा है ये अपना क्या है आर है अरे जब ये मान लो अब ये ऐसा मत करते कि आर को थीटा हो गया कर सकते हैं क्या ऐसा यदि कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ये आर को स्थिर तो कब किया था जब ये आर अपना क्या था कर्ण था तब अपन ने किया था धारणा यहां गड़बड़ मत कर देना कि ये आर को स्थिर लिख दिया ऐसा लिखते ही अपना पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर पूरा ही गलत हो गया ये मान लो अपने पास लंब दिया है और ये मैं मान लेता हूं क्या है आधार है तो मैं आधार कैसे निकालूं तो आधार निकालने के लिए तो नाम और देता हूं मैं एक दो और ना या मान लेता हूं मैं डी ई एफ नहीं दोगे तो भी चलेगा ना मैं आधार निकालता हूं तो आधार और लंब अपना काम आ रहा है तो आधार और लंब किसमें आता है आप ये देखिए अलग से निकाल लीजिए चाहिए आधार बटा लंब ये लीजिए या लंब बटा आधार लिख देता हूं मैं ये लीजिए लंब लंब क्या है आर बटा आधार आधार क्या है ए है ना और अरे ये तो अपने पास लंब तो फिक्स है क्या लंब का मान तो क्या दिया है आर और आधार अपने को निकालना है लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा ये तो होता है अब यहां से आप देखिए मैं इधर लेता हूं आधार और गुणा में क्या हो गया ये अपना टेन थीटा बराबर क्या हो गया आर ये तो हो गया यहां से आधार अपने को निकालना है तो आर ये एक बटा टेन क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा क्या तो बताओ ये आधार अपना क्या आ रहा है निकाल करके देखिएगा ये क्या हो जाएगा आर कोट थीटा हो जाएगा और ऐसे ही देखो ये आर कोट थीटा तो ये भी अपना क्या होगा आर कोट थीटा क्यों होगा आप ऐसे भी देख सकते हो ये वृत्त है बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर नहीं हो तो ऐसे देख लो ये थीटा था तो ये भी अपना क्या है थीटा आधा तो हो गया नहीं समांतर त्रिभुज दोनों आप तय कर लीजिएगा ना क्योंकि ये दोनों में क्या हो गया कॉमन और ये यहाँ ये 90 डिग्री यहाँ ये 90 डिग्री और एक ये दोनों में क्या है ये और ये बराबर है दोनों इस बाह्य बिंदु खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है तो समांतर हो गए तो दोनों कोण क्या हो गए बराबर हो गए अभी आप यहाँ से भी देख सकते हो वही लंब और ये क्या है थीटा तो ये आधार अपना क्या हो जाएगा आर कोण थीटा या मैंने जो बताया है कि बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर तो ये आर कोण थीटा तो ये भी अपना क्या हो गया आर कोण थीटा इसी प्रकार से ये करोगे तो ये भी आर कोण थीटा अरे वही थीटा है और ये भी अपना क्या होगा आर कोण थीटा हाँ अब इसको थीटा मत लिख लेना क्योंकि मैंने क्या बोला ये अपना क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज से अपने को क्या करना है सही करना है इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है ना अब अपन बात करते हैं क्या देखो ये थीटा तो बोलो ये भी अपना क्या है थीटा है ये थीटा तो ये भी अपना क्या था थीटा अब मैं ऊपर वाला कोण निकाल सकता हूँ
वो प्रोडक्ट होकर कैसे आएगा, जो किसी भी त्रिभुज में ये अपना कितना है 2 थीटा है, ये अपना कितना है 2 थीटा है, तो बताओ ये कैसे आएगा, ये अपना अरे 2 थीटा कितना हो गया 4 थीटा, तो ये अपना बचा कितना 180 माइनस 4 थीटा, ठीक है ये अपना पूरा कोण है 180 माइनस 4 थीटा, तो बताओ इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी आधा आधा हो गया क्योंकि ये दोनों भी कैसे त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, तो आधा आधा हो गया, तो आधा आधा करूंगा, तो देखो आधा करो 180 में 2 का भाग दो, तो ये वाला जो कोण है वो कितना हो गया 90, 90 माइनस 4 थीटा का आधा करोगे तो कितना हो गया 2 थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो ये अपना कोण आ गया, ये अपना आर है, अब इससे भी मैं ये निकालता हूं, अरे बीच वाले तो अपने कोई काम के नहीं है, परिमाप में इनकी जरूरत पड़ती है अपने को, तो ये निकाल लेता हूं, तो ये निकालूंगा, तो देखो ये थीटा के सामने वाला क्या लंब, लंब तो अपना क्या है आर बटा आधार, आधार अपने को नहीं पता तो मैं निकाल लूंगा, बराबर में क्या है टेन थीटा, अरे ये तो होगा, अरे लंब बटा आधार बराबर क्या हो गया टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान अब की बार है 90 माइनस 2 थीटा, तो मैं निकालता हूँ टेन 90 माइनस थीटा, ये आर बटा ए आधार तो है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, ठीक है अब निकालूंगा आधार इधर भेज दो और कोट 2 थीटा को इधर भेज देना, तो ये क्या हो जाएगा एक बटा कोट 2 थीटा, और ये अपने पास में आ जाएगा क्या, ये अपने पास में आएगा आर और एक बटा कोट क्या होता है टेन, तो ये टेन 2 थीटा, तो ये आर टेन 2 थीटा, तो ये भी अपना कितना हो जाएगा आर टेन 2 थीटा, अब इसको हल कर लेते हैं, अब बताओ इसका परिमाप, परिमाप को क्या नाम देता हूँ मैं पी नाम देता हूँ, परिमाप को पी नाम इसलिए दे दिया क्योंकि पेरीमीटर अपन बोलते हैं ना, तो पी दे दिया, जरूरी नहीं आप पी दो कुछ भी दे सकते हो ना, मैं पी नाम देता हूँ, पी आएगा कैसे, परिमाप जब इन सबको जोड़ोगे तो वही तो अपना परिमाप है, तो ए कोट आर कोट थीटा आर कोट थीटा आर कोट थीटा आर कोट थीटा कितने हो गए 4 आर कोट थीटा, और प्लस आर टेन 2 थीटा आर टेन 2 थीटा कितने हो गए 2 आर टेन 2 थीटा, ये अपना हो गया। अब कर लेते हैं इस परिमाप आपको क्या करना है न्यूनतम करना, तो मैं न्यूनतम कर लेता हूँ, अच्छा एक तो अपना इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, न्यूनतम परिमाप इतना लाना है तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे न्यूनतम सिद्ध करोगे, तो डी पी अपॉन डी थीटा कर लीजिए, अब तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, देखो अपने पास में क्या हो जाएगा ये 4 आर कोट का क्या होता है, अरे अवकलन करोगे तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर अपना कॉन्स्टेंट, और टेन 2 थीटा का करोगे तो टेन 2 थीटा का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा, और ये तो होगा टेन का अपना अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और आप करते क्यों इसको दे दूंगा समय का नंबर 2, और इसके बराबर आप क्या रख दोगे 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो देखो 4 आर से 4 आर का भाग दोगे तो सारा कट जाएगा ना, और उसके बाद में यहाँ अपने पास में क्या है सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक 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 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करें कैसे, इसको किसे बदल लीजिए साइन कोस से बदल लीजिए, तो साइन कोस से बदलोगे तो ये तो क्या हो गया अपना एक बटा कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये अपना क्या है एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अपने को मिला क्या, यहाँ से अपने को मिला कोस स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं किसका कोस 2 थीटा का, है ना कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है देखो किस में लगा लेता हूँ मैं साइन में लगा लूँ क्या, क्योंकि इधर केवल क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो अपना सरल हो जाएगा ना, तो मैं लगाता हूँ देखो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं कोस 2 थीटा का, और स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी क्या लगा देता हूँ मैं स्क्वायर, और इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हल करोगे तो हल कैसे करोगे, तो हल करने पर आपको पता चलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर करते हैं, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हल करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन की घात कितनी हो गई 4 हो गई, या मैं इसको ऐसा कैसा लिख लेता हूँ ये लीजिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ना 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, इसका भी क्या है स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे तो क्या आएगा आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले आता हूँ कितना हो गया माइनस के 5 हो गए क्या, अरे माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कितना है 1 बराबर में 0। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे, आगे कैसे सॉल्व करोगे, अब ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को अपने मन से क्या मान लेता हूँ मैं, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको अपने मन से मैं क्या मान लेता हूँ वाई मान लो, जरूरी नहीं वाई मानो, आप अक्ष मान लीजिए, है ना ये लीजिए अक्ष मान लीजिए, अक्ष कहीं है तो नहीं ना, एक बार देख लीजिएगा अक्ष कहीं नहीं है, चलो ठीक है अच्छी बात है, अब सोल्व करता है इसको। अच्छा और एक चीज़ और, अपने थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ कर दिया, देखो
ये अपने समबाहु त्रिभुज में देखो त्रिज्या कितनी है a, अब दिखाई दिया ये, तो a त्रिज्या का अर्थ बनाना है तो त्रिज्या अपनी क्या है a है, याद आ रहा त्रिज्या अपने को क्या लेनी है a, आप बाद में कर सकते हो जरूरी नहीं मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप r की जगह क्या लेना है आपको a लेना है ना, आपको जहां पर भी r दिखाई दे रहा है वहां क्या आ जाएगा अपने पास में a आ जाएगा, प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा जो त्रिज्या थी उसको a नाम दे रखा था तो अपने को a लेना है ना, ये लीजिए a ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर r था बस मैं वहां उस जगह क्या लिख रहा हूं a लिख रहा हूं बस, ये लीजिए बस ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो sin² बराबर अपना क्या हो गया x हो गया, और sin² की जगह x लिख लिया तो देखो अपना फार्मूला क्या बना 4 sin² की जगह मैंने x लिख लिया तो क्या हो गया x² माइनस 5 sin² की जगह क्या हो गया अपना x प्लस 1, अब तो ये भी फार्मूला हो जाएगा किसी अरे गुणनखंड से कर सकते हो नहीं गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा 4x माइनस 1 और x माइनस 1 से ये सॉल्व हो जाएगा, इसी प्रकार तो आएगा, देखिए एक बार इसको गुणनखंड करोगे तो अपने को ये मिल जाएगा बराबर में कितना है 0, यहां से देखो मेरे को क्या मिलेगा एक बार को x बराबर 1 और एक कितना मिलेगा 1 बटा 4 में, एक बार तो क्या करता हूं वापस x का मान कर लेता हूं, अरे x को अपने मन से मारा था ऐसे मन से मान करके थोड़ी निकाल दोगे किसी का उत्तर, x की जगह वापस रख दीजिए, x की जगह क्या है अपना sin² थीटा बराबर 1, तो देखो sin थीटा बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स प्लस माइनस 1, चाहे प्लस 1 ले लो चाहे माइनस 1 ले लो, देखो sin इनवर्स प्लस 1 लोगे तो sin का मान है कहां पर π/2 पर, माइनस 1 कहां पर 3π/2 पर, दोनों मान नहीं ले सकते मैंने पहले बता चुका हूं कि क्यों नहीं ले रहे 90 और 300 ये 270 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है कोण है वो अपना 90 से कम ही होना चाहिए, ठीक है अपन आगे बात करते हैं इसकी कौन सा 1 बटा 4 की, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 बटा 4, तो sin थीटा बराबर कितना आ गया 1 बटा 2 प्लस माइनस 1 बटा 2 आया ना, प्लस माइनस 1 बटा 2 आया स्क्वायर रखो तो अंडर थीटा बराबर क्या हो गया sin इनवर्स प्लस माइनस 1 बटा 2, देखो थीटा बराबर क्या हो गया sin का मान 1 बटा 2 प्लस वाला लेता हूं एक बार, तो sin का मान 1 बटा 2 कहां होता है आपको ध्यान में पाई भाई 6 पर होता है 30 डिग्री पर होता है, और माइनस वाला लोगे तो माइनस वाला सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को लेना नहीं है क्योंकि वो 90 से क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो थीटा बराबर ये लेंगे तो ये आता है, और ये जो थीटा का मान है वो रखोगे किस में, अरे मान तो निकाला अपन ने, अब इसको दोबारा क्या करना है इसका दोबारा अवकलन आप कीजिए, अब तो कर सकते हो नहीं बिल्कुल आसान है कोई ज्यादा बड़ा अपने पास में है नहीं, तो दोबारा अवकलन करोगे तो आपको किस में मिलेगा अपने को न्यूनतम सिद्ध करना तो प्लस में मिलेगा, हल करके देखिएगा देखो प्लस में ही आएगा तो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपना क्या होगा न्यूनतम होगा, और न्यूनतम मान भी निकालना अपने को, न्यूनतम परिमाप ज्ञात भी तो करना है सिद्ध करना कि ये होगा, तो मैं ये जो मान आया तो थीटा का, अरे दोबारा अवकलन करना वो तो आप कर लेना, अब ये जो थीटा का मान मैं रख देता हूं उसमें, तो देखो न्यूनतम परिमाप कितना हो जाएगा न्यूनतम परिमाप है ना पूरा लिखना, जो न्यूनतम परिमाप को अपन ने क्या नाम दिया p, p बराबर क्या है 4a cot थीटा, थीटा का मान कितना आ गया पाई बाय 6 प्लस 2a tan 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है पाई बाय 6, और उम्मीद है यहां दिखाई दे रहा होगा यहां आपको, तो 4a और cot पाई बाय 6 का मान, cot 30 का मान कितना होता है अंडर √3 होता है ठीक है, 2a tan अरे 2 पाई बाय 6 तो देखिए यहां पर कितना हो गया पाई बाय 3 हो गया, अरे केवल मैंने क्या किया क्या है कि थीटा की जगह क्या रखा है पाई बाय 6 रखा है, थीटा की जगह पाई बाय 6 रखा है तो अपने को आंसर मिल जा रहा है ना, तो थीटा की जगह पाई बाय 6 रखा तो देखो 2a tan पाई बाय 3 हो गया, अरे 30 डिग्री का दुगना, 30 डिग्री का दुगना कितना हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, मेरे को यहां √3 कॉमन दिखाई दे रहा है, बचा कितना 4a plus 2a तो कितना हो गया 4 और 2 6a और बाहर कितना है √3 तो कितना हो गया 6 √3 ये तो हो गया, तो ये अपना क्या हो गया सिद्ध हो गया इसका परिमाप सिद्ध हो गया, तो इस प्रकार से अपनी क्या होती है प्रश्नावली होती है, तो आप इनको सॉल्व कीजिएगा, और फिर भी यदि कोई आपको डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं जब अगली प्रश्नावली शुरू करूंगा कल से तो उसमें आपको उससे पहले मैं इसके सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, बाकी यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है कल से अपन करेंगे अगली प्रश्नावली शुरू।